नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। ग्वालियर लोकसभा चुनाव के बाद अब जिला प्रशासन 23 मई को होने वाली मतगणना की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में मतगणना के पहले चरण की ट्रेनिंग सभी अधिकारियों कर्मचारियों को मतगणना किस तरह से करनी है उसकी ट्रेनिंग दी गई और इस ट्रेनिंग के बाद आखिरी रिहर्सल 22 मई को की जाएगी। मतगणना 23 तारीख को होनी है और 23 तारीख को MLB के प्रांगण में जो MLB का जो नवीन भवन है वहां पर उनके कक्षों में पूर्व विधानसभा की तरह मानती उसी प्रकार का मतगणना की जाएगी। इस बार एक केवल परिवर्तन यह रहेगा कि ETPBS और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग एक अलग कक्ष में की जाएगी, जिसको हम लोगों ने, अगर आप देखें, सेंट्रल लाइब्रेरी वाला जो कक्ष है वहां पर उसकी व्यवस्था रहेगी। तो पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है, जो भी आमूलचूल परिवर्तन है भवनों में वो किए जा रहे हैं। उसी के क्रम में आज ट्रेनिंग रखी गई है यहाँ पर ट्रेनिंग में लगभग 125 काउंटिंग सुपरवाइजर, 125 काउंटिंग एजेंट और 125 माइक्रो ऑब्जर्वर, ये इन लोग की आज यहाँ ट्रेनिंग कराई जा रही है। ये प्रथम ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग में इनको मतगणना संबंधित सारी लीगल एस्पेक्ट, सारी जो व्यवहारिक चीज़ें होती हैं वो सारी बताई जा रही हैं। और इसके बाद इनका द्वितीय प्रशिक्षण या एक मॉक रिहर्सल 22 तारीख को हम लोग करेंगे, जब इनको विधानसभा वार इनको रेंडमाइज करके इनको अलॉट कर दी जाएगी। तो उसके पश्चात 22 तारीख को एक मॉक रिहर्सल भी रहेगा। इनको ये भी बताया जाएगा कि आपको किस तरह का व्यवहार करना है, कहाँ बैठना है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इनकी टेबल उस समय पता नहीं रहेंगी, टेबल इनकी 23 तारीख की सुबह ही रेंडमाइजेशन के बाद बताई जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी ये तैयारियाँ चल रही हैं। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज़ आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज़ आज के साथ।